आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे इस प्रयोग से आप अगर इसे ईमानदारी से 21 दिन करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो धीरे 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 आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि करना क्या है। ये एक तांत्रिक टोटका कह सकते हैं, तांत्रिक प्रयोग है जिसे बड़े बड़े विद्वानों ने प्रयोग किया और उन्होंने बहुत ही आसानी से चीज़ों को पाया। दरअसल ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ और ये जो टोटका जो हम कहेंगे, ये जो महालक्ष्मी का बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र है और महालक्ष्मी से ही संबंधित यह टोटका है। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है, अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है, लाइफ में रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी समस्या है, या आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जो आप मांग तो रहे हैं मगर पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करने से 101% अगर आपने पूरी ईमानदारी से किया तो डेफिनेटली आपको उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ एक मिरेकल टाइप होने लगेगा और वो चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाएंगी। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ आपको करना क्या है। रोज रात में आपने सोने से पहले एक कागज़ लेना है और पेन लेना है। पेन जो होगा वो रेड कलर का होगा, उसमें आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। आप उस कागज़ के 21 टुकड़े बना लें। मैंने कहा ना 21 दिन का प्रयोग है, तो आप एक बड़ा सा कागज़ लें, उसके 21 टुकड़े बना लें और इतने टुकड़े बनाएं कि जिसमें आपकी मनोकामना आसानी से लिखी जा सके। उस मनोकामना को आप उस कागज़ में लिखें और इस मंत्र का मन में उच्चारण करें। देखिए यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूँ, मनोकामना को आपने कागज़ में लिखना है और मंत्र का उच्चारण आपको मन में करना है। फिर से बता रहा हूँ, कागज़ लेंगे, इतना बड़ा कागज़ लेंगे जिसमें आप आसानी से अपनी मनोकामना लिख सके। उसके बाद 21 टुकड़े बनाएंगे उन कागज़ के और एक एक टुकड़ों में, एक एक पन्ने में, छोटे छोटे पन्ने में आपने 21 बार अपनी मनोकामना को लिखना है और इस मंत्र को मन ही मन जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीम नमः। आप एक बार अपनी मनोकामना लिखेंगे और आप कहेंगे ओम श्रीम नमः, फिर दूसरी बार आप लिखेंगे, फिर उस मंत्र का जाप करेंगे, फिर तीसरी बार आप लिखेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे। आपको मनोकामना जो है वो कागज़ में लिखनी है, मंत्र जब जो है वो आपको मन में करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप ऐसा कर लें उसके बाद उन सारे कागज़ को इकट्ठा कर लें और अपने तकिए के नीचे रखें, आराम से तकिए के नीचे रखेंगे। ये प्रयोग आपने 21 दिन तक बिना कोई गैप के आपने 21 दिन तक करना है। आप देखोगे 21 दिन के बाद जो मनोकामना आप लिखे हो उससे संबंधित आपको लोग मिलना चालू हो जाएंगे या उससे संबंधित आपको कुछ रास्ता दिखना चालू हो जाएगा। सपोज़ आप बार बार आप फेलियर हो रहे हो, आपके जीवन में असफलता मिल रही है, तो आप देखोगे कि एक रास्ता दिख जाएगा आपको सक्सेस होने का। अगर रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि वो रिलेशनशिप अच्छे होने लगें। मनोकामना क्या है वो आपको पता होगी, आप लिखें, मनोकामना लिखें, मंत्र जप करें ओम श्रीम नमः। इस तरीके से आप 21 दिन करें बिना कोई गैप के। उसके बाद ऐसा करते 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 आप डेली, अब ये देख लें कि डेली आप लिख रहे हैं 21 टुकड़े बने कागज़ के, फिर दूसरे दिन आप लिखेंगे तो वो 42 होंगे, फिर ऐसा करते 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 21 into 21, मतलब 21 दिन हो जाएगा। उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो उन सारे कागज़ को आप उठाएंगे, एक उसको बहुत खूबसूरत से प्लास्टिक में रखेंगे और अपने सिर से लेकर पैर तक 7 times क्लॉकवाइज घुमाते हुए, जैसे घड़ी घूमती है ना क्लॉकवाइज, वैसे 7 times क्लॉकवाइज घुमाते हुए बहते हुए नदी में आपने प्रवाहित करना है। अब दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ बहते हुए नदी में, क्योंकि जब आप अपनी कामना को प्रवाहित करते हो तो नदी में जब आप प्रवाहित कर रहे हो तो वो बह करके आपकी मंजिल तक पहुँचा देगी। ये प्रयोग आप
21 दिन तक करें, आपको आपकी मनोकामना से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो मिलना चालू हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है 21 दिन के बाद, तो फिर आप 5-7 दिन का एक छोटा सा गैप कर लें, उसके बाद फिर से वो 21 दिन रिपीट कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी तक मैंने जितने लोगों को ये उपाय बताया है उन सब का 21 दिन के अंदर में ही वो काम बनना चालू हुआ है, मगर उन्होंने पूरी ईमानदारी दिखाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी ईमानदारी दिखाएं, अपने लिए समर्पित हों, डेडिकेटेड हों, और इस मंत्र को आप बस 21 बार जप करें। आप देखोगे कि 21 दिन के अंदर में मिरेकल्स होंगे लाइफ में। अभी तक आपने जितने भी उपाय किए हैं वो सारे उपाय एक तरफ, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, देवी की कृपा होगी और आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, हमारी सेल्फ मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा पे ग्रुप है। इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टोटके बताएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताएंगे। कुछ मेडिटेशंस होते हैं, सेल्फ मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस होती हैं। अगर आप हमारी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर कोई इंक्वायरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से अपनी ऑरा रीडिंग, चक्रा रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, ये बिल्कुल आप करवा सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें एक बार संपर्क करें, हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। Thank you very much.